Good morning, students. Good morning. This is me, Nidhi Singh. I welcome you on UPSC Adda 24/7. आज हम 21,000 complete हो गए हैं, तो इस शगुन के नंबर के साथ हम अपना जो है आज का दिन शुरुआत करेंगे. और उसके साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप तो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी किसी भी और एग्जाम के लिए, सो यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम अड्डा 247 वेबसाइट, राइट. तो यहाँ से आप जो बुक्स बाय करेंगे उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको 77% प्लस डिस्काउंट मिलेगा, राइट. आप नई जो बुक्स लेंगे आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा 77%. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीरज. काइंडली जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. हेलो आंचल जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आंचल, स्टार्ट करते हैं क्लास. सो इट्स 24th जुलाई. आज 24th जुलाई का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे ये मैं आपको बताऊंगी. इसके साथ साथ यूपीएससी करंट अफेयर्स की क्लास आप सुबह 7 बजे तो ले ही सकते हैं. उसके अलावा भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं. मेरी 2 क्लासेस होंगी, यूपीएससी सीएससी मॉर्निंग 9 AM और यूपीएससी सीएससी इवनिंग 5 AM, ठीक है. सो ये मेरी क्लासेस रहती हैं, आप लोग प्लीज इनको ज्वाइन कीजिए. इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो आपका अगर आप प्रीलिम्स क्रैकर बैच में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन करें मुझे. रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आज भी क्लास है, बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लासेस होती है प्रीलिम्स क्रैकर बैच की. और एज्यूम किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक आएंगे, राइट. तो एकदम थॉरली आपकी स्टडी कराई जाती है. यूज कोड Y326. अगर आप कोई भी जो है कोर्स बाय कर रहे हैं तो एक ही कोड यूज कीजिए, वो है Y326, राइट. अब आप आज का पहला ताजा खबर हम देख लेते हैं. PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, मतलब स्पेशलिटी स्टील के बारे में एक जो स्कीम है एक नई वो आई है. यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, देखो ये PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, राइट. तो ये इसके लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम का जो टाइम पीरियड होगा लॉन्च का वो होगा 23 to 24 to 27 to 28, राइट. तो लगभग इसकी जो है 5 साल तक की ये स्कीम रहेगी. इस स्कीम की जो 5 कैटेगरी स्टील होगा इसमें वो प्रोडक्ट्स आएंगे कौन कौन से हैं, लाइक कोटेड प्लेटेड स्टील जिसके ऊपर आप कोट करते हैं, या कोई मतलब स्पेशली कोई और मेटल हो गया या उसको स्टील, इस तरह के स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंट स्टील, उसके साथ साथ स्पेशलिटी रेल्स अलॉय प्रोडक्ट्स एंड स्टील व्हील्स, स्टील वायर्स, इलेक्ट्रिकल स्टील. तो ये जो स्टील के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपको पता है कि स्टील और जो आयरन इंडस्ट्री है ये एनर्जी सेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको पता होना चाहिए जो मेन कोर इंडस्ट्रीज है उनमें स्टील भी एक इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए हैं जिससे इन सब का प्रोडक्शन और इन सब का, बबीता जी गुड मॉर्निंग, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो करती है. तो उसके लिए 5 कैटेगरीज रखी गई है. कौन कौन सी कैटेगरीज है, कोटेड प्लेटेड स्टील हो गया, हाई स्ट्रेंथ स्टील हो गया, इसके साथ साथ जो स्टील यहाँ पर अलॉय है, अलॉय जो आपके टायर वगैरह होते हैं इसमें लगाया जाता है, आपने देखा होगा. स्पेशलिटी रेल्स है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टील है. ये 5 तरह का स्टील यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस स्कीम में. और स्कीम का नाम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. ओके, अगला इसमें देखा इस स्कीम की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या नीड हो जाएगी, नीड के बारे में बताती हूँ आपको. लगभग इस पर 6,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा इसमें खर्च किया जाएगा. इस योजना से लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और विदेश विशेष इस्पात के 25 मेट्रिक टन क्षमता की वृद्धि की उम्मीद है कि अगर इन सब्जेक्ट्स में इन आपकी प्रॉपर जो है आपकी टॉपिक्स में अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है और उसमें जो है इन्वेस्ट करवाती है तो क्या होगा इससे स्टूडेंट्स की, इससे ना पर्टिकुलर जो आपका जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन से ही आपका स्टील बनता है, राइट.
तो आयरन इंडस्ट्री से ही इसमें डेवलपमेंट होगा, कितने हजार करोड़ का, लगभग आपका 25 मीट्रिक टन का जो है इसका प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। और पैंडेमिक के टाइम में इतना प्रोडक्शन बहुत है अगर आप ज्यादा कर पाते हैं उसको किसी भी चीज में, वेदर इट इज आयरन वेदर इट इज अनदर मटेरियल। ओके, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2026-27 तक हम इसका उत्पादन 42 मिलियन टन तक कर लेंगे स्पेशलिटी स्टील का। ठीक है मैम, क्लास शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अभी तक शेयर नहीं है, आप शेयर कर दीजिए पायल। अच्छा ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए, अभी तक शेयर नहीं किया है। लगता है सब लोग सो रहे हैं पायल। चलिए इसके बाद हमारा जो आज का फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्पेशलिटी स्टील क्या होता है। ये हैज बीन चूजन एज द टारगेट सेगमेंट बिटवीन बिकॉज आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 102 मिलियन टन का जो आपका प्रोडक्शन होना है उसमें से देश में केवल 18 मिलियन टन मूल्यवर्धित स्टील और स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन किया गया था। मतलब ये इसमें ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है कि ज्यादातर हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। ज्यादातर अगर हमें स्पेशलिटी स्टील चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है। अच्छा आपकी लिंक हटा दी जाती है, ओके ओके, अरे 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 अरे, अरे। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हो गया आपका, ये इंपोर्ट करने की जरूरत हमें होती थी, उसमें से आपका 18 मिलियन ही सिर्फ इंडिया प्रोडक्शन कर पाता था। इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्कीम कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर देती है और उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और हम अपना सेल्फ प्रोडक्शन यहाँ पे करने लग जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई है आपके जो एनिमल वेलफेयर वाइल्ड लाइफ की तरफ से, अगर मैं बताऊं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया सिंध हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इतना जरूरी है कि ये है स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का। ठीक है राजस्थान का स्टेट बर्ड है और अब हालत ये है प्रखर की इसका बिल्कुल खत्म हो गया, इसको मान लिया गया है कि 1 जनवरी से कच्छ जो जिला है, कच्छ कौन सा पार्ट होता है गुजरात का, नदन पार्ट, ठीक है नदन, और साउथ का पार्ट किसको क्या बोला जाता है, काठियावाड़। ठीक है कच्छ ऊपर वाला, काठियावाड़ नीचे वाला, आपने देखा है ना कच्छ, मतलब जो इस तरीके से कुछ है आपका जो गुजरात का एरिया होता है, ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे हो जाएगा इधर, ये कच्छ होता है नदन पार्ट और ये काठियावाड़ होता है। ठीक है ये काठियावाड़ होता है, तो ये याद रखना, मैंने आपको मैपिंग में कराया था इसको गुजरात का, जब मैं मैपिंग करा रही थी आपको, तो ये जो पार्ट है जब मैं कराती हूँ कोई भी स्टेट के बारे में तो ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। जाग रहे पर टेलीग्राम नहीं मेरे पास, ओहो चलो कोई बात। ये देखो केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि इस साल 1 जनवरी तक गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं थे। मतलब 1 जनवरी तक आपका जो स्टेटस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, अगर मैं आपको दिखाऊं जस्ट वेट कि क्या स्टेटस रहा है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो बहुत खराब स्टेटस रहा है। ठीक है जी, तो बहुत खराब स्टेटस रहा है, स्टेटस में दिखा देती हूँ आपको क्या हालत रही है। जितना हर साल दर साल ये जो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट होता गया है, ये खत्म हो गया है एकदम से, एकदम मतलब इसका नंबर बिल्कुल खत्म हो जाने का मतलब ये एक्सटिंक्ट हो गई है ये प्रजाति। ठीक है एक्सटिंक्ट, तो इसके बाद देखो ये 1969 में इसकी जो नंबर था 1260 था, और इसके बाद देखो कंटिन्यूस डिक्लाइन है, कंटिन्यूस डिक्लाइन, और अब देखो 2020 में तो जीरो जीरो पर आ गए हैं हम, तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन है 50 सालों में ये डिक्लाइन हो गई है। और स्पेशली अब की अगर मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2021 में हमारे पास कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ही नहीं कच्छ एरिया में, अगर बाकी बच्ची होंगी इधर उधर तो हो सकता है, बट कच्छ में हमारे पास कोई भी यहाँ पर बस्टर्ड नहीं बची। ठीक है बिल्कुल, हाँ राजस्थान में है, में 128 रेस्ट इन कच्छ। ये देखो अब इसके लिए हमने क्या यहाँ पे कदम उठाए हैं बस्टर्ड के लिए, तो जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको हम गोडावन भी बोलते हैं, गोडावन इसको हिंदी में आई थिंक गोडावन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोडावन, हाँ तो गोडावन जो है लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीसीज, 4 स्पीसीज इसकी टोटल होती है। यूपीएससी में एनवायरमेंट में आपसे टॉपिक आ जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि देर आर 4 जो है इसकी कोई ब्रीड नहीं है, ये इकलौती ऐसी ब्रीड है, ये स्पेशल है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और ये इसके अलावा ये दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, इस तरह की स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट से आपको बचना है। यहाँ पे लिखा भी गया है इसकी 4 स्पीसीज, ठीक है
तो इसके बाद ये जो इंडिया में जो पाई जाती है उसका नाम है मैकक्वीन बस्टर, ठीक है। तो मैकमोहन जो लाइन है उससे आप याद रखना, मैकक्वीन बस्टर, लेसर फ्लोरिकन एंड एंड द बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। और ये देखा वो लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन है, मतलब ये तीन तरह की यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी? मैकक्वीन बस्टर, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन, राइट। राकेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चाय पीने आते हैं आप? बस चाय मेरी खत्म हो गई, जस्ट जस्ट मैंने चाय खत्म किया। इतना सुबह चाय, वो क्लास होता है, चाय तो चाहिए था। और रिसेंट में 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था गांधीनगर में। हाँ 2020 में हुआ था ना, तो रिसेंट थोड़ी ना हो, तो बहुत पुराना है। चलो अब जो गोडावन है इसका हिस्टोरिक रेंज है आपका, लगभग इसको माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा भाग शामिल था। अब ये केवल 10% तक सिमट कर रह गया है। 10% मैंने बताया कौन सा? सिंध वाला एरिया, सिंध में गुजरात राजस्थान ये भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपका सिर्फ गोडावन बची है आज, वो भी इक्का दुक्का सब खत्म हो गई। उड़ान के साथ साथ भारी पक्षियों में जो आपकी गोडावन है, घास के मैदानों को अपने आवास के रूप में पसंद करते हैं। गोडावन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच काफी बड़ा होता है, गोडावन थोड़ा उसे छोटा होता है, बट ये काफी बड़ा और सुंदर है देखने में, तो इसलिए इसकी पोचिंग ज्यादा होती है, इलीगल ट्रेडिंग ज्यादा होती है, लोग मार देते हैं। हाँ और एक हमारा तो राजस्थान में जैसे आपका पता है क्या होता है, हंटिंग ज्यादा होती है ऐसे एनिमल्स की जो रेयर होते हैं, स्पेशली उनकी हंटिंग ज्यादा होगी। तो हंटिंग जिस जमाने में होती थी, ठीक है, हंटिंग जो आपका अंग्रेजों का जमाना था, राजा महाराजों का, बिल्कुल आपको पता है देश है ये दुनिया, यहाँ पे राजपूताना जो है, तो वहां पे ज्यादातर जो है गोडावन को ही टारगेट किया जाता था जो हंटिंग के लिए। तो बेसिकली एक तो ये रीजन रहा यहाँ पर कि गोडावन खत्म हो गई। अब इसके बाद जो है ये ग्राउंडेड है, मतलब ज्यादा ये है उड़ नहीं पाता है, वे अपने निवास स्थान के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए अधिकांश समय कभी कभार उड़ानों के साथ साथ जमीन पर बिताते हैं, मतलब ज्यादातर टाइम ये जमीन पर ही रहते हैं, उड़ना कम ही इनको पसंद है। तो इसलिए भी इसका नेगेटिव फायदा उठाया गया कि भाई अभी जमीन पर रहती तो इनको मार डालो। ये कीड़े छिपकली जो मतलब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स पे जिंदा रहते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो दिस इज गोडावन, राइट, दिस इज द ब्यूटीफुल गोडावन, और इसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इस पर तो बहुत क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट होता है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है आपकी स्पीसीज, यूपीएससी का फेवरेट होता है। इस पे आप लोग रिसर्च कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी इसको जो है गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है कि देखो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, आप लोग देख लीजिए क्या करना है इसका। अब देखो कल हमने पढ़ा था भाई पेगासस, पेगासस आ गया, पेगासस को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उसने इंडिया के लिए, और जितने भी सब लोगों के चिट्ठे बाहर आ रहे हैं, तो उसमें से एक खबर हमारे लिए क्या हो सकती है यूपीएससी के लिए, कि इंडिया में कितने तरह के सर्विलेंस एक्ट है, लॉज क्या है कि हमारी प्राइवेसी को हम किस तरह सेफ रख सकते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं इस दौरान। एक एक्ट है टेलीग्राफ अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम का जो आपका सेक्शन है 5 सबसेक्शन 2, इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैन इंटरसेप्ट कॉल्स ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस। गवर्नमेंट जो है आपका कॉल जो है ट्रेस कर सकती है, पकड़ सकती है और उसको सुन सकती है, सिर्फ किस कंडीशन में, जब आपका जो भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए कि कोई हमें लगता है कि कोई आतंकवादी खतरा हो गया है, तो लग रहा है कि मेरी क्लास में कोई कसाब बैठा है, तो मैं तो आपका फोन टेप जरूर करूंगी, ठीक है। हाँ देखो कल भी यही हुआ था पशु पक्षियों, नहीं नहीं आज तो हमने स्टील से किया ना, आज तो हमने पॉजिटिव साइन से किया, देखो आईज मेरी बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं मंडे से सिर्फ एक ही क्लास कर पाऊंगी यूट्यूब पे, मुझसे नहीं हो रहा है, आईज एकदम ऐसा लग रहा है कि बाहर आ जाएगी बहुत ज्यादा, ऊपर से मानसून चल रहा है तो और ज्यादा इन्फेक्शन फंगल हो गया है, ज्यादा सब आसपास ड्रॉप्स रखी रहती है, फिर भी कुछ नहीं होता है। ओके तो सर्वेलेंस लॉ आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी है, कहाँ है सब लोग? देखिए अब देखो विदेशी राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, इसके साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए कि भाई हमें दूसरे राज्यों से, सपोज बांग्लादेश है, हम कल बात कर रहे थे बांग्लादेश से हमें रिश्ता अपना अच्छा रख रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई हमें जो है युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं या किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही दो देशों के बीच में, तब हम जो है इसका फोन टैपिंग का यूज कर सकते हैं अंडर सर्विलेंस लॉ टेलीग्राफ एक्ट, जो 5 सेक्शन सबसेक्शन 2 हो जाएगा। अब इसके ही प्रतिबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 19 और 2 के तहत जो आपका जो है रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर लगाई जाएंगी, इसमें क्या हो जाएगा,
imposed only when there is a condition precedent the occurrence of any public emergency or in interest of public safety. कोई भी काम हम जो public safety के लिए करते हैं जो जरूरी है वो यहाँ पर जरूरी है. हाँ हाँ एक और आईटी एक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आईटी एक्ट इक्वल 2000 है, इसमें आप देखिए कौन कौन सी जो है आपके रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाए गए हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सब जो इसका सेक्शन 69 है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बताया गया है कि आपका जो है 2009 को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम किया गया था. इसमें का दायरा टेलीग्राफ अधिनियम की तुलना में बहुत व्यापक और अस्पष्ट है. जैसे उसमें हमने बताया ना, देखो यहाँ पे टेलीग्राफ में कि भाई कोई हमें लग रहा है कि हमारी इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उस पर खतरा है तब हम उसको टेप करेंगे. यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं बताया है, जो आईटी एक्ट है इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया आपको कि हम ऐसे होगा तभी ऐसे करेंगे. बट हाँ इसमें आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप यूज करेंगे इसका, ठीक है. और इसके साथ साथ ये जो प्रोविजन है ये प्रॉब्लमेटिक है एंड ऑफर द गवर्नमेंट टोटल ओपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से कब हमारा जो है यूज करती है हमारे डेटा का, कब ले लेती है हमें पता भी नहीं रहता है. और ये क्लियर नहीं बताता है आईटी एक्ट जो है, ये क्लियर नहीं बताता है कि हमें कब लेना है गवर्नमेंट को जो आपका हमारी सब कॉल्स का डिटेल्स एंड एटसेट्रा, और कब नहीं लेना है ये हमें क्लियर नहीं है इस एक्ट के दौरान. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है एज कम्पेयर टू टेलीग्राफ एक्ट. टेलीग्राफ एक्ट कहीं ज्यादा क्लियर है, ओके. टेलीग्राफ एक्ट कहीं ज्यादा क्लियर है तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एक सवाल है आपके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो हमने कर ही लिया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये मुझे बताइएगा. बताइए बताइए. एथिक्स के लिए हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है ना उसको आप दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारा जो डेटा है वो आजकल सेफ नहीं है, राइट. केस स्टडी भी आ सकती है इस पे, बहुत सारी केस स्टडीज बन सकती हैं, है ना. अगर तो वहां पे आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं. तो ऐसी चीजों पे ध्यान हमेशा रखिए. पेगासस पॉलिटिकली क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पेगासस में क्या लॉज आते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है. ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है. नीरज जी फर्स्ट का डी ऑप्शन बोला आपने, वेरी गुड. फर्स्ट का डी ऑप्शन बोला है, इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट. बताइए जल्दी से, पीडीएफ तो कल मिल गया था ना आपको. क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं डाले मैंने, बहुत इजी है, देखिएगा. तो बताइए बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट एमसीक्यू एमसीक्यू बताइए. बताइए तो आई थिंक मैक्सिमम लोग जो है डी, दो ही आंसर दे रहे हैं और बाकी को क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं दे रहे आप. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, देखो जी अभी यहाँ पे बताते हैं आपको कि इट इज द ओनली वन बस्टर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया. क्या ये ओनली वन, अभी अभी मैंने बताया कि तीन है, बंगाल फ्लोरिकन एंड जो आपका नंदन फ्लोरिकन हो जाएगा, दो फ्लोरिकन तो मैंने बताया आपको, ठीक है. ये देखो ठीक है, मैक्विन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन, तीन स्पीसीज बता दिया, याद रहेगा याद रहेगा. इसके बाद इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरे वाली ये स्पीसीज हो जाएगी, ये याद रखना. सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी बिल्कुल सही बोला जिसने बोला है. देखो तो ये 2020 के अकॉर्डिंग जो है इसका आपका जो डेटा है आपकी गोडावन का, इसके बारे में गांधीनगर जो गुजरात में इसकी आयोजित हुई थी 2020 फरवरी में, हमने बताया प्रखर ने बताया था, उसमें क्या हो गया था कि आबादी घटकर 150 रह गई, ये फरवरी की बात है. और अब की देखेंगे लेटेस्ट डेटा हम इसके लिए चाहिए होगा, राइट. तो इसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया है, ध्यान से देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है.
चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनाउंस द गोवन बुरा गोवन बुराज विलेज हेडमैन विलेज लेवल फंक्शनरीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल हेंसफोर्थ बी कॉल्ड गोवन प्रधान। गोवन बुरा को गोवन प्रधान कौन बोलेगा आपसे? गोवन प्रधान कौन बोलेगा, जल्दी बताइए। गांव प्रधान की तरह, बिल्कुल सही कहा। देखो ये एक पद का नाम था, उसको बदल दिया है और कुछ नहीं हुआ, बस पद का नाम था उसको बदल दिया है, वो था असम में। असम बिल्कुल सही कहा पायल। देखो असम में क्या होता है, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे एक पोजिशन होती थी। गांव बुरा की स्थापना उपनिवेशिक युग के, मतलब जब से अंग्रेज आए थे तब से, ठीक है। गुड मॉर्निंग राखी, इतना इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? सुरभि राखी, इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? जीजो वाई सो अर्ली? रूपाली, अरे रूपाली आ गई जी इतने सालों बाद, कैसी है रूपाली? देखो अब इसकी स्थापना जो गांव का सबसे बुजुर्ग जो सबसे एक्सपीरियंस आदमी होगा ना उसको गांव बुरा बना दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि बंगाल में जमींदार होते थे, जमींदारी सिस्टम वही था, तो ऐसे ही जहां जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, ये औपनिवेशिक टाइम मतलब जो आपका अंग्रेज आए तभी उस टाइम पे ही ये आपका जो पोस्ट है बनाई गई थी विलेज बुरा की। यह पद आमतौर पर सबसे पुराने सबसे अधिक जानकार व्यक्ति के पास होता था और जिसके किसी गांव या छोटे समूह में सभी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होते थे, मतलब ये अच्छा रिश्ता बना के रख सकता है और एक तरीके से काम आ सकता है अंग्रेजों के, तो इसलिए उन्होंने यूज करते थे इस पर्सन का, ठीक है। अच्छा राखी, अरुणाचल प्रदेश में भी गांव बुरास और बुरी सबसे महत्वपूर्ण याम स्तर के जो है आपके पदाधिकारी, मतलब वहां भी अरुणाचल प्रदेश में भी गाँव के लेवल पर ये सबसे बढ़िया हो जाएगा और यहाँ पर असम में भी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए एमसीक्यू है जो काफी इंपॉर्टेंट है आज का, अगर आप देखें उसके अकॉर्डिंग, ये जो खबरें मैं लेके आती हूँ ना उसके साथ साथ ये जो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एज अ सब स्कीम ऑफ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए। गुरु पूर्णिमा आज है क्या? आज गुरु पूर्णिमा है क्या? कल था आई थिंक, कल जा चुका है जैसा लगा। जो सुबह सुबह आया जागा और आते ही डिसलाइक कर दिया, वेरी गुड। कोई है जो सुबह सुबह आया आते ही उसने डिसलाइक कर दिया और कोई उसको पहला काम नहीं लगा। प्रखर ओके, दो के बाद चार, कोई बात नहीं, नंबर तो चेंज होता रहता है, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, आप चार का बताइए। आपको बस आइडेंटिफाई कर पा रहे ना कि फोर्थ क्वेश्चन है, इसके आगे नंबर लगा दो और आंसर मुझे बताओ, वो मैटर करता है ना। रूपाली शिवाजी गुड मॉर्निंग, आप हमेशा की तरह लेट हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए बताइए मैम, कल था ना गुरु पूर्णिमा, वही मैं कह रही हूँ ना, कल था। बताइए शिवाजी, तो यहाँ पे भारत सरकार जो है इसमें आप देखिएगा कौन सा जो है आपका कृषि पद्धति अधिनियम के जो है सब स्कीम हो जाएगी, कौन सी स्कीम के अंडर। अभी दो तीन स्कीम ज्यादा हाईलाइटेड है, उसमें आप ध्यान रखना। आपने रूपाली ने सही दिया है, रोहित ने सही दिया है, रोहित इतना लेट क्यों आया, कल तो पाए ही नहीं थे रोहित। तो देखो ये डी ऑप्शन परंपरागत कृषि योजना, ये बिल्कुल सही है। ओके नीरज ने बिल्कुल सही दिया है, प्रखर ने सही दिया है, पर उनका सवाल सही नहीं माना जाएगा, उन्होंने थर्ड नंबर लगा दिया, जब चार लिखा है तो चार लिखो ना। चलो इसके बाद यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना का ही सब पार्ट है, एक और पार्ट है, क्या हो जाएगा, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। प्राकृतिक कृषि पद्धति मतलब जो ऑर्गेनिक जो मेथड होते हैं कृषि करने के, जैसे बलिराम करते हैं, रोहित करते हैं, है ना रोहित। तो देखो इस तरीके से
मैम कुछ लोग कहते हैं क्लास देखे बिना अनलाइक अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जिनको पसंद है बस वो आई है, ठीक है। ये देखो एक और आ गया डिसलाइक, आज भी है, ओके दैट्स फाइन। देखो गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एज अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना सिंस 2021 द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। जैसे कि आपका हल चलाना है, कुछ नेचुरल बीज, आप नेचुरल वीडिंग का तरीका होता है, मतलब वीड है जो आपके खरपतवार होते हैं उसको हटाने का तरीका होता है, तो कुछ खेती के एक नेचुरल तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, उनको बनाए रखने के लिए ये स्कीम यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना। अगला सवाल हो जाएगा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये बहुत जरूरी है। अभी अभी कुछ समय पहले नॉर्ड स्कीम पहले पॉपुलर हुआ करता था और अब फिर से ये न्यूज में आया है, ये काफी जरूरी है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्ड का इसमें कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये पता होना चाहिए। ओके अच्छा जी, वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए। चीयर फॉर इंडिया, बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक्स। नो मैम आई एम नॉट, अच्छा रोहित, ओके जस्ट ओके, मेरे कहने का मतलब नहीं कि आप करते ही हैं। बताइए बताइए, क्या बात है प्रखर जी, बहुत बढ़िया। दीपिका कुमारी वर्ल्ड नंबर वन इज रेडी टू हिट गुड। और ये अभी अभी तो जैसे इनका रैंकिंग इंप्रूव हुआ तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं एथलेटिक्स में। देखो एथलेटिक्स इतना हाईलाइटेड हो नहीं पाता है, पर मुझे लगता है ना इंडिया का इतने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, उस पावर को अगर हम एथलेटिक्स में यूज करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया में कल्चर नहीं है गेम्स का, कल्चर ही नहीं है। अब चाइना में जाइए, बच्चे जब से पैदा होते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं इनको टीटी करवाना है या इनको दूसरे जो आपके गेम्स है। मोनिका बत्रा भी, चलिए ओके ठीक है शिवाजी, कोई बात नहीं, ध्यान से देंगे। नॉर्ड पाइपलाइन जो है, मैं बता रही थी कि वायबॉग जो पहले वाली जो पाइपलाइन होती थी नॉर्ड वाली, ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन वाली तो पहले वाली थी, अब नॉर्ड स्ट्रीम द सेकेंड बनी है। ये कहां से है, ये उस लुगा, जब आप लोगों ने कॉमेंट कर दिया एक ने तो सबका, मैम नो वॉइस करना जरूरी, मैं जब मुझे देख मैं देख चुकी हूँ और थोड़ा सा आपको पता है कि टाइम लगता है यहाँ से वहां तक आवाज जाने में, है ना, आवाज जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। टोक्यो मेडल हैज बीन क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल इलेक्ट्रॉन वेस्ट, वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छे फैक्ट्स लेके आए हैं मैम, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा वेट कर लीजिए, मुझे पता है आवाज नहीं आ रही, मैंने बंद किया था आवाज को। ओके सो नॉर्ड पाइपलाइन क्या होता है, ये आपका बेसिकली जर्मनी और रशिया के बीच में एक पाइपलाइन बनाई गई है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए। अमेरिका ने जर्मनी रूस नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड पाइपलाइन का परियोजना का मंजूरी दी है। इससे पहले नॉर्ड के लिए प्रॉब्लम कर रहा था जो अमेरिका, ठीक है, कि उनको लग रहा था कि कहीं ये ज्यादा जो है ज्यादा नेचुरल गैस में, और रशिया में तो है ही नेचुरल गैस, ठीक है, जर्मनी को कहीं ज्यादा ना मिल जाए। रूस पर यूरोप की ऊर्जा निरंतरता को काफी बढ़ा देता है, मतलब जो डिपेंडेंसी है रशिया पे अब ज्यादा हो गई है। पहले क्या होता था कि देखो यूरोपियन जो यूरोप है उसमें इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, रशिया में है, रशिया में है, और रशिया में स्पेशली नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है, उसी के लिए है।
अमेरिका ने पहले रूस और जर्मनी के बीच इस गैस पाइपलाइन को पूरा होने के लिए रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए थे, और जो पहला विकल्प जो मैंने बताया आपको सही है, जर्मनी और रशिया, सिंपल ही है। यह 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और जो रूस के उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिप्स वॉल और बाल्टिक सागर के रास्ते से जाती है, और इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस होगी। मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, अगर वो नेचुरल गैस पे डिपेंड रहता है तो। 55 बिलियन नॉर्थ स्ट्रीम जो है आपको पहले से पूरा हो चुका है, और इसके साथ मिलकर यह जर्मनी का सालाना 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेगा। रशिया में सॉरी जर्मनी में लगभग 110 क्यूबिक मीटर जो आपका जो हो जाएगा, ये इतना ज्यादा गैस आपको देगा। ये देखो ये बाल्टिक सी से होते हुए ये रास्ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस लुगा से अब दूसरी बनेगी, उस लुगा से लेकर ग्रीप्स वॉल्ट। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब मैंने आपको बताई, और हो सकता है मैं मंडे से ये क्लास कंटिन्यू ना करूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा जो है क्लासेस हो रही है, और आप लोग भी प्रेशर बढ़ रहा है कि हम तीन क्लास करें मैम का या सिर्फ एक क्लास करें। एक क्लास मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल रहता था, तो वो मैं देखती हूँ कुछ हो पाता है तो। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, आज के लिए इतना ही। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एक दूसरे को। साथ के साथ आपका यूपीएससी अड्डा का नया शेड्यूल है, ये देखते रहिए, इसमें कुछ चेंज होगा तो बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। एनी क्वेरीज, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो बताइए। ओके थैंक यू शिवाजी, पहले ही